वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स स्टार्ट करेंगे। आपके पास बोर्ड पे ये टोटल फार्मूले मैंने लिखे हैं। इसमें हमारे पास जो सिक्स सॉलिड है, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कॉन, स्पेयर, हेमी स्पेयर, ठीक है, इन सब का टीएसए, सीएसए, टीएसए का मतलब है टोटल सरफेस एरिया, सीएसए का मतलब है कवर सरफेस एरिया, और वॉल्यूम, ये सारे फार्मूले आपने नाइन्थ क्लास में पढ़े हैं। ये सारे फार्मूले नाइन्थ क्लास के हैं, ठीक है। पहला है सीएसए ऑफ क्यूबॉइड। सीएसए ऑफ क्यूबॉइड का मतलब कि क्यूबॉइड जो शेप बना हुआ है, सॉलिड शेप, उसके टॉप और बॉटम को अगर हटा दिया जाए तो इट हैज फोर साइड्स या फोर वॉल्स, ठीक है, दैट्स कॉल ऑफ सी एस ए, कवर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। उसका फॉर्मूला है 2 × H, एल प्लस बी, एच का मतलब हाइट, एल का मतलब लेंथ और बी का मतलब ब्रेथ। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड में सिक्स फेस होते हैं, ठीक है, वन फ्रंट, वन बैक, टॉप, बॉटम एंड लेफ्ट एंड राइट। तो सिक्स फेस का टोटल का एरिया आपके पास हो गया 2 में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। डायगोनल ऑन क्यूबॉइड होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है एल इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वॉल्यूम होता है, ठीक है। एरिया और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है कि एरिया की यूनिट जब हम लेते हैं तो उसके ऊपर स्क्वायर लगाया जाता है, और वॉल्यूम की यूनिट जब ली जाती है तो उसके ऊपर क्यूब लगाया जाता है, जैसे मीटर स्क्वायर, ठीक है, या स्क्वायर मीटर या क्यूबिक मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो आपको कोई चीज गिवन है और हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये एरिया है या वॉल्यूम है, तो आपको क्या करना है, वो जो यूनिट हमें गिवन है उस यूनिट की पावर देखनी है। अगर उसमें 2 पावर लगी हुई है तो इसका मतलब वो एरिया है, और अगर उसके ऊपर 3 पावर लगी हुई है तो वो आपके पास क्या है, क्यूबॉइड है, सॉरी वॉल्यूम है। फिर इसके बाद में ऐसे सी एस ए ऑफ क्यूब 4a² क्यूब की ऑल साइड इक्वल होती है। तो कवर सरफेस एरिया मैंने आपको बताया कि टॉप और बॉटम को हटा दिया जाता है, इसका मतलब 4 वॉल्स रहेगी। एक वॉल का जो एरिया होता है एरिया ऑफ वन फेस, एक फेस का जो क्यूब का एरिया होता है वो ए स्क्वायर है, तो 4 फेस का हो गया 4a². टी एस का मतलब टोटल सरफेस एरिया, नहीं 6 फेस, 6 फेस का एरिया हो गया 6a². डायगोनल ऑफ क्यूब ए रूट 3, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, क्योंकि इसमें एल बी और एच तीनों सेम होती है तो a × a × a, यानी ए क्यूब। फिर इसके बाद में सीएसए ऑफ सिलेंडर 2πRH होता है। सीएसए का मतलब उसको अगर अपन ओपन करते हैं यूं सिलेंडर को, जैसे आपके पास ये सिलेंडर बना हुआ होता है इस शेप में, अगर इस सिलेंडर को हम ओपन करेंगे यूं तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। इससे इसमें ये हाइट है और ये जो है वो सर्क्यूमफ्रेंस, ये पूरा कंप्लीट है, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्किल, जिसका फॉर्मूला होता है 2πR है, ठीक है। अभी इससे आपको इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो ये लेंथ हो गई, ये हाइट हो गई, ब्रेथ हो गई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2πRH। ये आपके पास सीएसए ऑफ टीएसए ऑफ सिलेंडर 2πR ब्रैकेट में एच प्लस आर, क्यों, क्योंकि इसमें एक सर्किल यहां होता है, एक सर्किल यहां होता है, बोथ सर्किल का एरिया हो गया 2πR², ठीक है। तो 2πR² प्लस जो मिडिल का एरिया सीएसए वो क्या है, 2πRH। अगर हम इसमें से 2πR कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे R बचेगा, यहाँ पे H बचेगा, यानी 2πR R प्लस या H प्लस R, हम कुछ भी कह सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πR²H होता है, ठीक है। ऐसे सीएसए ऑफ कॉन πRL, L का मतलब है स्लेंट हाइट, क्योंकि कॉन की जो फिगर जो होता है वो इस शेप में होता है, नीचे इसके सर्किल और ऊपर इसके ट्राइंगल बना हुआ होता है, तो ये ट्राइंगल का ये जो हाइपोटेनस है इसको एल लिखते हैं, ये एच है और ये आर है, रेडियस है, ये राइट ट्राइंगल है, इसीलिए इसको बोला जाता है राइट सर्कुलर कॉन, ठीक है। टीएसए ऑफ कॉन पाई आर एल प्लस आर, स्लेंट हाइट, ये जो हाइट निकालते हैं तो ये राइट सर्कुलर राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, जो होती है h² = lb² + b², तो इसमें एच आपके पास एल स्क्वायर हो गया = r² + h² एल की वैल्यू निकालने तो उसके रूट लग जाएगा, तो रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कौन होता है,
जो सिलेंडर होता है उस सिलेंडर में से अगर हम एक वॉल्यूम निकाले इस तरह से, तो ये सिलेंडर के थ्री पार्ट इक्वल पार्ट हो गए, उसमें से एक पार्ट आपने निकाला, इसका मतलब वो 1/3 हो गया। तो 1/3 यानी 1/3 πr² h, सरफेस ऑफ एरिया ऑफ स्पेयर, आपके पास एक बॉल होती है वो स्पेयर है, ठीक है, उसका अगर हमें टोटल एरिया निकालना है, क्योंकि उसमें एक ही एरिया होता है, तो वो 4πr² होता है, और उसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। टीएस ऑफ हेमी स्फीयर, ठीक है, इसमें थ्री फेस बन जाते हैं, हाफ करते हैं तब एक ऊपर और सर्किल बन जाता है, दो तो वो हो ही गए और एक ऊपर सर्किल, तो इसका टीएस हो गया 3πr², और सीए से निकालना तो केवल बाहर बाहर का यू निकलेगा हाफ पोर्शन का, तो वो स्फीयर का हाफ हो जाएगा, यानी 4πr² का हाफ हो गया 2πr², वॉल्यूम भी है वो स्फीयर का हाफ हो जाएगा, 2/3 का हाफ करें 4/3 का आप करेंगे तो 2/3 होगा और πr³। तो ये आपके फार्मूले हैं जो आपके 9th क्लास में काम आए थे, ठीक है। अब ये कंप्लीट टोटल आपके 10th क्लास में काम आएंगे, और इनके अलावा आपके पास कोई फार्मूले नहीं है। हमारे पास इस चैप्टर में चार टॉपिक है। पहला टॉपिक ये है कि कंबाइंड फिगर का एरिया फाइंड करना, दूसरा टॉपिक ये है कंबाइंड फिगर का वॉल्यूम फाइंड करना, तीसरा टॉपिक ये है कि एक फिगर को, एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में चेंज करना, और चौथा हमारे पास टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ कॉन। तो ये जो फोर्थ टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ कॉन, ये आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। इसका मतलब वी हैव ओनली थ्री एक्सरसाइज, 13.1, 13.2, 13.3, हमारे पास केवल थ्री एक्सरसाइज है वो हम पढ़ेंगे। पहले में हम कंबाइंड फिगर का एरिया फाइंड करेंगे, जिसमें हमें फिगर दिया जाएगा, तो एक के ऊपर एक फिगर अलग अलग होंगे, जैसे मान लो सिलेंडर के साथ स्पेयर आ गया, स्पेयर है या हेमी स्पेयर है, कोन है या कोन के साथ हेमी स्पेयर है, या सिलेंडर के साथ हेमी स्पेयर है, कोई भी कंडीशन आपके पास हो सकती है, लेकिन हम यहाँ केवल कंबाइंड फिगर का ही एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करेंगे। और थर्ड टॉपिक जो हमारे पास होगा वो एक सॉलिड फिगर को, जैसे मान लो सिलेंडर गिवन है, तो उसको अदर सॉलिड फिगर में चेंज करना, कि हमने इसको कौन में चेंज कर दिया। जब भी किसी सॉलिड को हम दूसरी सॉलिड में चेंज करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है एवरी टाइम बोथ सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। आपने सिलेंडर को कौन में चेंज किया, तो जो वॉल्यूम सिलेंडर का है वही वॉल्यूम आपका किसका रहेगा, कौन का रहेगा, ठीक है। तो अब इसकी एक्सरसाइज लेते हैं 13.1। चलिए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 13.1, देखते हैं उसमें हम फाइंड करेंगे कंबाइंड फिगर का एरिया। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि कंबाइंड फिगर का जब भी आपको एरिया निकालना है, अगर दोनों का बेस सेम है, तो आपको बोथ सॉलिड्स का क्या करना है, सीए से निकालना है, कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है और उनको ऐड कर देना है, ठीक है। अगर बोथ सेम नहीं है, दोनों का बेस आपके बोथ का बेस सेम नहीं आ रहा है, दोनों का बेस आपके पास सेम नहीं है, तब आपको क्या करना है कि जो फिगर, जिस फिगर के ऊपर जो फिगर रखा हुआ है, ठीक है, तो जिस फिगर पे रखा हुआ है यानी जिस सॉलिड पे रखा हुआ है, उसका तो आपको टीए से निकालना है, और जो फिगर उसके ऊपर रखा हुआ है उसका आपका सीए से निकालना है, और जो फिगर उसके ऊपर रखा हुआ है उस फिगर का बेस अलग से निकाल करके आपको उन दोनों के सम में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 13.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 cm³, टू क्यूब्स है, यानी हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, वो हमें गिवन है 64 cm³, ठीक है। हम इसकी साइड निकालते हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट द साइड ऑफ क्यूब बी ए सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला था, ए क्यूब, यानी ए क्यूब इज इक्वल टू, हमें 64 cm³ गिवन है, ठीक है, और ए इज इक्वल टू फिर क्या हो गया, इसका क्यूब लेंगे, रूट क्यूब रूट लेंगे तो 4 cm। ये आपके पास
ईच क्यूब की क्या आ गई, साइड आ गई। अब क्या कहा गया, आर ज्वाइन एंड टू एंड, दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया गया। जैसे एक क्यूब आपके पास ये है, ये क्यूब है, फर्स्ट क्यूब, ठीक है। सेकंड क्यूब क्या किया है, इसी को ही ज्वाइन किया गया है, ऐसे इसी से ही ज्वाइन कर दिया गया। सेकंड क्यूब भी आपका ऐसे ज्वाइन कर दिया गया, ये आपका सेकंड क्यूब हो गया। जब इसको ज्वाइन किया तो ये 4 सेंटीमीटर साइड थी, ये भी 4 सेंटीमीटर साइड थी, टोटल कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। लेकिन ये 4 सेंटीमीटर है, हाइट भी 4 सेंटीमीटर, नहीं रिजल्ट जो इसका निकला वो क्या हो गया कि अब इसकी ऑल साइड्स इक्वल नहीं है, तो ये किस में चेंज हो गया, क्यूबॉइड में चेंज हो गया, ठीक है। तो हम लेते हैं इसमें लेंथ, पहले तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड वो अपने पास हो गई 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर यानी 8 सेंटीमीटर। फिर ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड वो अपने पास होगी 4 सेंटीमीटर। फिर हाइट ऑफ क्यूबॉइड वो अपने पास होगी 4 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया है सरफेस एरिया, तो इसका हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो टोटल का क्या फॉर्म होता है, एल टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, टू लेंथ है 8, ब्रेथ 4, ब्रेथ 4, हाइट भी 4, हाइट 4, लेंथ 8, ठीक है। 2 इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 प्लस 16 प्लस 32, 2 इनको ऐड करते हैं तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन में अपने पास क्या है, सेकेंड क्वेश्चन अपने पास एविशंस इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, यानी एक हेमिस्फीयर है अपने पास, ये हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर एक ये सिलेंडर है, ठीक है। ये हेमिस्फीयर हो गया, ये सिलेंडर हो गया। The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. ये complete diameter, ये हमें given है 14 centimeter, यानी diameter of hemisphere 14 centimeter. तो radius भी क्या, radius of hemisphere इसका half यानी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द टोटल हाइट इज 13 सेंटीमीटर, टोटल हाइट यानी ये टोटल हाइट है अपने पास, ये 13 सेंटीमीटर है। अब यहां से यहां तक अगर हम लेते हैं तो ये 7 सेंटीमीटर रेडियस हो गई, ठीक है। तो ये अपने पास हाइट ऑफ कौन कितनी रहेगी, 6 सेंटीमीटर, 13 में से हम 7 माइनस कर देंगे, तो अपने पास पहले हमें गिवन है टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे हम हाइट ऑफ सिलेंडर, थर्टीन माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर किस पे है, कौन पे है, कोन पे रखा हुआ है, तो जो रेडियस आपकी कोन की है वही रेडियस आपकी क्या होगी, सॉरी स्पेयर पे रखा हुआ है, तो जो रेडियस आपकी स्पेयर की है वही रेडियस, हेमिस्फीयर की जो रेडियस गिवन है वही रेडियस आपकी किसकी होगी,
सिलेंडर की होगी, तो इसकी 7 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या पूछा गया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, टोटल का मतलब इसका कंप्लीट का। तो मैंने आपको भी क्या कहा था कि जिनका बेस सेम हो, ये भी सर्कुलर बेस है और ये भी सर्कुलर बेस है, तो बोथ का हमें क्या निकालना है, सीएसए निकालना है। तो फर्स्ट हम निकालते हैं सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, जो होता है 2πr², तो 2 × 22/7 रेडियस है, 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो गए। ठीक है, ये 44 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 308 cm². ये तो हमारे पास आ गया हेमिस्फेयर का। फिर सेकंड निकालेंगे हम सीएसए ऑफ सिलेंडर, वो होता है 2πrh, यानी 2 × 22/7 रेडियस 7 है, इंटू एच आपके पास कितनी है 6, 7 से 7 गए 44, 44 को हम 6 से करेंगे, 6 × 24 = 264 cm². इन दोनों का आपके पास अलग अलग क्या आ गया, एरिया आ गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ फिगर, ये जो फिगर हमने बनाया इसका एरिया, इसमें क्या है सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर। तो अपने पास क्या आया, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर 308 + 264, ऐड करेंगे तो कितना हो गया ये 2 × 617 572 cm², इस वेसल्स का आपके पास क्या आ गया, एरिया आ गया। ठीक है, तो जब अगर आपके पास ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिनका बेस सेम है, ठीक है, तो वो एक दूसरे में वैसे की वैसे फिट हो जाते हैं, तब आपको क्या करना है, बोथ का क्या निकालना है, सीएसए निकालना है और सीएसए निकाल करके ऐड करना है। ये आपको आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये थर्ड क्वेश्चन में अपने पास क्या है, वी टेक क्वेश्चन नंबर थर्ड। यस, नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ए टॉय इज इन फॉर्म ऑफ कॉन ऑफ रेडियस 3.5 cm माउंटेन ऑन द हेमिस्फीयर। वही देखो, ये हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर ये कॉन है, और हमें गिवन है रेडियस ऑफ कोन 3.5 cm। ठीक है, ये रेडियस हमें गिवन है 3.5 cm, तो इस स्फीयर की, हेमिस्फीयर की भी रेडियस क्या होगी, देन रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो भी आपके पास क्या है 3.5 cm। फिर नेक्स्ट, द टोटल हाइट ऑफ टॉय, टोटल हाइट ऑफ टॉय वो हमें गिवन है 15.5 cm। ठीक है, ये टोटल हाइट यहां से लेकर के यहां तक ये 15.5 cm है, तो हमें ये इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी, हाइट ऑफ कॉन हम फाइंड करते हैं, हाइट ऑफ कॉन टोटल हाइट में से 15.5 में से ये माइनस कर देंगे, क्योंकि हाइट यहां तक ही है, तो ये माइनस कर दो, ये 3.5 है, तो अपने पास बच गया 12 cm। ठीक है, अब क्या पूछा गया अपने से, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हमें टॉय का क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, वही
सेम बेस है तो इसका सीएसए और इसका सीएसए, जब कोन का सीएसए निकालना है तो स्लेंट हाइट होनी चाहिए और हमारे पास स्लेंट हाइट नहीं है, तो वी फाइंड स्लेंट हाइट ऑफ कोन इन एल फाइंड करेंगे, जिसका फार्मूला क्या है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी एल इज इक्वल टू हो गया रूट आर कितनी है 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, एल इज इक्वल टू 3.5, 3.5 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो 12.25 प्लस 12 का 144, ये रूट लग गया, एल इज इक्वल टू इनको ऐड करेंगे तो ये हो गया 156.25 और एल इज इक्वल टू अपने पास आ गया 12.5 सेंटीमीटर। इसका हम क्या लेते हैं रूट लेते हैं। तो अब हम निकालते हैं सरफेस, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, देखो सरफेस एरिया ऑफ टॉय डायरेक्ट निकालते हैं, तो इसमें आ जाएगा एक तो सी एस ए ऑफ कॉन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, सी एस ए ऑफ कॉन क्या होता है पाई आर एल प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है इसलिए हम दोनों में आर यूज में ले रहे हैं। अब देखो पाई आर कॉमन आ रहा है तो पाई आर कॉमन ले लो, तो यहां तो बचा एल, यहां बच गया 2 आर। अब वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू आर 3.5, एल 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5, इसको यहां काटेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 को अगर हम 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 11, ठीक है 110, 10 की 0 डिग्री, ये हो गया 12.5 प्लस 7, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यह गया 11 इंटू 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 19.5 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 195, यानी 5461, ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 164.5 पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो आपके पास ये हो गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें भी आपके पास बेस सेम था। अब नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर फोर, अब हम क्वेश्चन नंबर फोर लेते हैं, देखते हैं उसमें भी बेस सेम है या डिफरेंट है, अगर डिफरेंट बेस होगा तो एक क्वेश्चन आपका डिफरेंट बेस का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, है एक कॉनिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, कॉनिकल ब्लॉक है यानी क्यूब हमें गिवन है, साइड ऑफ क्यूब 7 सेंटीमीटर, सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, देखो ये आपके पास एक क्यूब बना हुआ है, और इसके ऊपर यहां पर ये एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है ऐसे, तो जब ये हेमिस्फीयर है तो ये यहां से यहां तक इसका डायमीटर हो गया, तो फिर डायमीटर
of hemisphere is equal to side of cube, क्योंकि ये क्यूब की पूरी साइड हो गई, यानी 7 सेंटीमीटर. तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो आपके पास हो गई 7/2 सेंटीमीटर, यानी इसका डायमीटर का हाफ. अब क्या पूछा गया है, पहला पूछा गया हु व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर. डायमीटर हो गया 7 सेंटीमीटर. एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड. इस सॉलिड का हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना. मैंने आपने को बताया कि अगर बेस सेम नहीं है तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, जिस पे रखा हुआ है उसका टीएसए. तो फर्स्ट आपको टीएसए फाइंड करना है, टीएसए ऑफ क्यूब, टीएसए ऑफ क्यूब जो होता है 6a² यानी 6 7 का स्क्वायर, 6 × 49. ठीक है, अब 6 9 54, 5 24 और 5 294 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपके पास आ गया किसका, क्यूब का टीएसए. और जो ऊपर रखा हुआ है उसका सीएसए निकाला जाता है, यानी सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है 2πr² यानी 2 × 22/7 × 7/2 × 7/2, क्योंकि रेडियस इसकी 7/2 है. अब यहां 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 से 2, और यहां आ गया ये 11, यानी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. दोनों चीज हो गई. थर्ड मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर रखा हुआ है उसका बेस हमेशा निकाल करके हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, तो रखा हुआ क्या है, हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर का बेस यहां पे क्या बन रहा है, एक सर्किल बन रहा है. तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्किल, जो आपके पास क्या होता है 2πr² यानी 22/7 × 7/2 7/2, 7 से 7 के ये काटा 11 आ गए, यानी 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब एरिया ऑफ सॉलिड, एरिया ऑफ सॉलिड, इसमें आपके पास क्या क्या है, फर्स्ट टीएसए ऑफ क्यूब प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर. अब देखो टीएसए ऑफ क्यूब 294 प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर 77 माइनस बेस 38.5. ठीक है, अब हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो 38.5 ही बचेगा अपने पास. तो ये गया 294 प्लस 38.5, अगर इसको प्लस करते हैं तो 0.5, 8 और 4 12, 10 और 3 13, 2 and 1 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये जो सॉलिड था इसका आपके पास क्या आ गया, एरिया आ गया. ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, जिसमें बेस दोनों का क्या है, डिफरेंस है. इसका बेस आ रहा है स्क्वायर, इसका बेस आ रहा है सर्किल, लेकिन हमेशा बेस उसी का ही माइनस करना है जो उसके ऊपर रखा हुआ है. ठीक है, बेस वाले का बेस माइनस नहीं करना है. ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, अब नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 5. अब हम 5th क्वेश्चन लेते हैं कि 5th क्वेश्चन में क्या है. Now we take fifth question. Fifth question है, a hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube.
ये तो वही क्वेश्चन है जैसे भी अपन ने फोर्थ किया था। ये अपने पास क्यूबिकल ब्लॉक है, ये क्यूबिकल ब्लॉक, और इसमें से ये अब ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ बनाई हूं, ये अपन ने एक हेमी स्फीयर इसमें से बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब हमें गिवन है डायमीटर ऑफ हेमी स्फीयर, वो हमारे पास है एल यूनिट, सेंटीमीटर में कुछ नहीं दे रखा तो यूनिट ले लेते हैं। ठीक है, तो रेडियस हो जाएगी इसकी, रेडियस ऑफ हेमी स्फीयर एल अपॉन टू यूनिट, ये तो इसका हो गया। उसके बाद साइड ऑफ क्यूब, वो भी हमें गिवन है एल यूनिट। ठीक है, अब हमें वही एरिया निकालना है इसका, एरिया ऑफ ब्लॉक, सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, एक तो टी एस ए ऑफ क्यूब प्लस सी एस ए ऑफ हेमी स्फीयर, पहले फर्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही, और माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमी स्फीयर। ठीक है, इसका फार्मूला होता है 6a² प्लस इसका होता है 2πr² माइनस इसका होता है πr². अगर इसको माइनस करते हैं तो 6a² प्लस πr² बचता है। अब 6a की जगह आ गया, साइड क्या है l, तो l स्क्वायर हो गया, वो 6l² प्लस पाई को पाई रहने दो, रेडियस की जगह क्या आ गया एल अपॉन टू का स्क्वायर, तो ये हो गया 6l² प्लस पाई l² अपॉन 4। 4 एलसीएम ले लो तो भी आपके पास बन जाएगा 4, 4 6 24 l² प्लस पाई l², देखो l² कॉमन आ रहा है तो l² आप कॉमन ले लो तो l² अपॉन 4 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 24 प्लस पाई, ये आपके पास बचा यूनिट स्क्वायर, ये इस ब्लॉक का क्या होगा आपका एरिया होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, वही क्वेश्चन था, कोई डिफरेंस वाली चीज नहीं, केवल रेडियस हमें डायमीटर एल दे रखा था नंबर की जगह, तो उसी तरह कर सकते। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कौन सा फिगर है, क्या बनवाया गया अपने से और क्या पूछा गया। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ टू हेमी स्फीयर। देखो ये मेडिसिन है, उसका शेप ये है, सिलेंडर विथ टू हेमी स्फीयर, ये दो हेमी स्फीयर है इसके एंड्स पे, ये मेडिसिन का शेप है। ठीक है, ईच ऑफ इट्स द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm, इसकी कंप्लीट लेंथ यहां से यहां तक 14 mm है, एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm, और ये कंप्लीट डायमीटर दे रखा है अपने को 5 mm। ठीक है, तो फर्स्ट हमें गिवन है डायमीटर ऑफ, किसी का भी ले लो चाहे आप सिलेंडर, वो हमें गिवन है 5 mm। नाउ रेडियस ऑफ सिलेंडर 5/2 यानी 2.5 mm। ठीक है,
तो ये रेडियस आपके पास, ये रेडियस और ये रेडियस, ये 2.5 और 2.5 है, इधर भी 2.5, इधर भी आपके पास क्या है 2.5। तो फिर हमारे पास क्या हो गई, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये हमारे पास क्या होगी कि टोटल कितनी है 14 mm माइनस 2.5 प्लस 2.5 यानी 14 माइनस 5 तो आपके पास होगी 9 mm। ये आपके पास हो गई हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसका, फाइंड द सरफेस एरिया, हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया में फाइंड करना है। ठीक है, इसका ये जो हमें गिवन है कैप्सूल, इक्वल, अब इसमें दो ही शेप है, एक है सिलेंडर तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस टू, इसमें हेमी स्पेयर है तो 2 × सी एस ए ऑफ हेमी स्पेयर। ठीक है, अब सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2 πr h प्लस 2 × 2 πr² यानी 2 πr h प्लस 4 πr²। रेडियस दोनों की सेम है क्योंकि जो रेडियस आपके पास सिलेंडर की आ रही है वही रेडियस आपके पास क्या है हेमी स्पेयर की, चाहो तो आप लिख सकते हो कि रेडियस ऑफ हेमी स्पेयर, रेडियस ऑफ हेमी स्पेयर वो भी वही रहेगी आपके पास 2.5 mm। तो रेडियस सेम है तो हम इससे कॉमन ले सकते हैं, फिर 2 πr हमने कॉमन ले लिया तो यहां तो बचा h प्लस यहां 2 r बच गया आपके पास। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो देखो 2 × 22/7 रेडियस 2.5 ब्रैकेट में h 9 प्लस 2 × रेडियस 2.5, 2 × 22/7 × 2.5 इंटू, देखो 9 प्लस 5 14, 14 से 7 को काटेंगे यहां आ गया 2। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2 × 2 = 4, 4 को 25 से करेंगे तो 100, 100 से एक 0 हट गई तो 10, 10 को 22 से किया तो 220 mm² इस कैप्सूल का क्या आ गया एरिया आ गया आपके पास। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीट। ठीक है, नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, उसमें हमें क्या गिवन है और हमसे क्या पूछा गया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हम क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप स्वयं करने का प्रयास करना। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 एंड डायमीटर 1.4 cm, यानी हमें गिवन है हाइट ऑफ सिलेंडर 2.4 cm एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर 1.4 cm। ए कॉनिकल ग्रेविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलो आउट, यानी हाइट ऑफ कौन भी आपको ये गिवन है, हाइट ऑफ कौन वो भी है 2.4 cm एंड डायमीटर डायमीटर ऑफ कॉन वो भी आपको गिवन है 1.4 cm। इसका मतलब हो गया रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल रेडियस ऑफ कॉन
radius of cone equal 1.4 upon 2, यानी 0.7 सेंटीमीटर. ठीक है, ये कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, देखो ये आपके पास सिलेंडर था जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर. इसमें से ये आपने क्या किया, कौन बाहर निकाल लिया, कौन बाहर निकाला तो स्पेस बना कौन का, एरिया हो गया. फिर ये एक आपके पास एरिया और बन गया इसमें सर्किल का एरिया. तो जो इसका रिमेनिंग एरिया आपके पास होगा, रिमेनिंग एरिया ऑफ सॉलिड सॉलिड इसमें फर्स्ट आपके पास देखो कौन है, सिलेंडर है तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस आपके पास क्या बना कौन, CSA ऑफ कौन. ठीक है, और थर्ड इसमें आपके पास क्या बन रहा है, एरिया ऑफ बेस, ये इसका बेस बन रहा है प्लस एरिया ऑफ बेस. ये तीन चीजें बनी और इन तीनों चीजों को हमें क्या करना है, प्लस करना है. तो फर्स्ट देखो CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है. ठीक है, हाइट भी दोनों की सेम है. पर CSA ऑफ कोन के लिए तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्लेंट हाइट. तो फर्स्ट हम इसकी निकालते हैं स्लेंट हाइट. फर्स्ट हम फाइंड करेंगे स्लेंट हाइट ऑफ कोन, यानी एल फाइंड करेंगे जो होगा रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. यानी एल इक्वल आपके पास हो गया एल इक्वल रूट एच कितना है 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, तो रूट इसका हो गया 5.76 प्लस 0.49. तो एल इक्वल आपके पास आ गया रूट, इसको ऐड करते हैं तो 6.25 यानी 2.5 सेंटीमीटर. ये आपके पास इसकी क्या आ गई, स्लेंट हाइट आ गई. ठीक है, अब हम ये लेते हैं, ये आपने पहले निकालना चाहिए था तो हमें बाद में हमने निकाल दिया, पहले फार्मूला लिख लिया था. अब CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH, CSA ऑफ कौन πRL, एरिया ऑफ बेस πR स्क्वायर. ठीक है, अब इसमें देखो πR सब में कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन ले लो तो यहां तो क्या बचा 2 और h प्लस यहां पे क्या बचा l प्लस यहां पे क्या बचा r. अब पाई की वैल्यू कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब 22/7 रेडियस, r 0.7, 2 इंटू एच 2.4 प्लस l 2.5 प्लस r 0.7. यहां से ये काटेंगे 0.1 आ गया, 0.1 को इससे करेंगे तो 2.2 इंटू देखो ये हो गया 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7. ठीक है, तो ये अपने पास आ गया कितना 22/8 इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब वो नियरेस्ट मांग रहा है, ठीक है 17.6 आया अपने पास सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, नियरेस्ट में आप ये भी आंसर रख सकते हो या 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी इसको लिख सकते हो. ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट किसके है, ये 18 के है, तो ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी आपका हो सकता है. दिस इज क्वेश्चन नंबर
8. And now the last question of this exercise, question number 9. अब हम क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं. लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज है. इसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो जाएगी. फिर उसके बाद हम नेक्स्ट यानी लाइव स्ट्रीम में या नेक्स्ट वीडियो में 13.2 हम लेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड फिगर होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. अब इसमें क्या कहा गया देखो, एक वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय ए स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर. देखो ये सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है. इसमें से एक ये निकाला गया आपके पास हेमिस्फीयर, दूसरा हेमिस्फीयर आपके पास ये निकाला गया. ये दो हेमिस्फीयर है, इसमें से आउट ऑफ कर दिए गए. इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हमें गिवन है हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बेस 3.5 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये हो गया कि सिलेंडर की रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर है और हेमिस्फीयर की रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर है. अब कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल. आर्टिकल का हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है. तो देखो आर्टिकल में क्या क्या हो गया अपने पास, एक तो अपने पास आ रहा है ये, दो तो हेमिस्फीयर है और एक क्या है सिलेंडर है. तो डायरेक्ट निकाल लो आपसे सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल. इक्वल सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA of hemisphere, CSA of cylinder 2πRH plus 2 into 2πR square CSA of hemisphere, ठीक है. तो इसमें अपने पास ये हो गया 2πRH plus 4πR square. 2πR common आ रहा है, तो इधर तो बचा H, इधर बच गया 2R. तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 रेडियस क्या है 3.5, हाइट 10 प्लस 2 इंटू 3.5, इसको इससे काटेंगे 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 का इज बट गया तो 1 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 22 इंटू 10 प्लस 7 आपके पास कितना हो गया 17 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 × 34 = 37 यानी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपके पास इसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ आर्टिकल, जिसमें क्या था कि एक सिलेंडर था जिसकी हाइट हमें कंप्लीट गिवन थी 10 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस हमें दे रखी थी 3.5 सेंटीमीटर, जो स्पेयर हेमिस्फीयर की भी वही रेडियस बन रही है क्योंकि उसी में से ही निकाला गया है. और जो दो हेमिस्फीयर निकाले तो स्पेस बन गया. निकालने का मतलब ये नहीं है, अगर यही चीज हम वॉल्यूम में करते तो क्या होता, इसका वेट कम हो रहा है, निकाल लिया गया तो वेट कम हो रहा है. तब हम क्या करते कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर. लेकिन जब एरिया की बात आती है तो स्पेस बनता है वहां पर, वो शेप बन गया किसका, हेमिस्फीयर का. तो इसीलिए एरिया में क्या किया जाता है कि सीएसए प्लस किया जाता है. बाहर निकालने पर कभी भी माइनस मत कर लेना एरिया में. माइनस केवल किस में होता है, वॉल्यूम में होता है, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. थैंक यू.